नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी भ्रष्ट है, एकदम भ्रष्ट है। आपके पटना राजधानी में सुरक्षित महिला बेटी बहन नहीं है। सबसे पहले झकास भारत के न्यूज के भाई के माध्यम से हम बतावे के चाहतनी, शांतिपूर्ण जेपी गोलंबर से राज्यपाल महोदय के पास ज्ञापन हमनी के जोन सौंपे जातनी सर, ये बिहार के धरोहर बचावे खातिर हमनी के सौंपे जातनी सर। शांतिपूर्ण हमनी के जितना भी कर्जकर्ता बा एकदम शांत बा। कितना की संख्या में आप लोग हैं अभी? लाखों के संख्या में हम लोग, लाखों में शांति से जा पाइएगा? एकदम जाएंगे। वो लाठी डंटा लेकर बैरियर लगाने से हम लोग डरने वाले नहीं हैं, और लाठी से भी पिटवाएंगे तो उससे भी डरने वाले नहीं हैं। हम लोग शांतिपूर्ण, मेरे आदरणीय गार्जियन रामविलास पासवान जी, लाठी से डरने वाले वो जयप्रकाश आंदोलन से लेकर, वो नहीं ना डरते थे? आप लोग तो भाग जाएगा लाठी डंटा से, भाग जाएगा। उन्हीं का खून हूँ, और उन्हीं के खून है चिराग पासवान जी। आज संसद में भी बोलते हैं चिराग पासवान जी, हमेशा गरीबों के आवाज उठाते हैं। अच्छा, लाठी बरसेगा तो आप टिकिएगा भीड़ में? एकदम, पहला लाठी मैं खाने के लिए तैयार हूँ, पहला लाठी मैं भागने वाला नहीं, जब तक दम रहेगा तब तक चिराग पासवान जिंदाबाद। बात यह है, बात यह है, कितना नेता बोलते हैं कुमार जी की लाठियां कम हो जाएंगी, हमारे शरीर कम नहीं होंगे, लाठियां कम हो जाएंगी, उनके पास जितना भी लाठी है वो कम हो जाएगा, लेकिन हम लोग क्या जो बिहार है कम नहीं होगा। चिराग पासवान बनकर जाएगा पूरे बिहार का, और चिराग पासवान पर यदि डंटा बरस जाएगा नीतीश कुमार के, तो पूरे देश में चक्का जाम करवा देंगे हम लोग, नीतीश कुमार को भी होश में ला देंगे। इसलिए नीतीश कुमार, शांतिपूर्वक हम लोग जा रहे हैं, शांतिपूर्ण हम लोग को धरना प्रदर्शन करने दीजिए, करने दीजिए, कर रहे हैं। ट्रेलर है, अभी फिल्म बाकी है, ये टेलर है, अभी फिल्म बाकी है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी, आप कहते थे कि 19 लाख रोजगार लाएंगे, रोजगार नहीं लाए हैं, ये जहरीली शराब बिकवा रहे हैं। और मौत जो महिला का मांग के सिंदूर उजारने का काम किया, आपकी बीवी का सिंदूर उजर जाए, आपके घर परिवार के उजर जाए, कितना दर्द होगा। जो मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय रोने लगे अमनौर के धरती पर, जो 18 दिन के बच्चे 24 साल के, वो भी तक किसी घर के गरीब के बेटी है, उसको क्यों नहीं आपके बिहार सरकार के आपके मंत्री महोदय जाकर आंख के आंसू पोंछने के काम किया? क्यों नहीं जिला अधिकारी महोदय गए वहां पे? क्यों नहीं प्रखंड विकास पदाधिकारी गए, वहां के जितने भी जेडीयू का नेता थे या आपके मंत्री थे? आपको चुनाव में, एमएलसी के चुनाव में 50 मंत्री जाते हैं, एक गरीब के मांग के सिंदूर मुंह जा रहा है, उसमें आपका एक मंत्री नहीं जा रहा है, इससे बहुत दुख की बात है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी भ्रष्ट है, एकदम भ्रष्ट है। आपके पटना राजधानी में सुरक्षित महिला बेटी बहन नहीं है तो आप किस काम के हैं? आपको तो खुद रिजाइन मार देना चाहिए। आप किस हैसियत से बोलते हैं? किस हैसियत से? वही नरेंद्र मोदी जो देश के भगवान है बोले कि बीजेपी में मर मिटेंगे, बीजेपी में जाएंगे नहीं। किस लिए गए? सत्ता के लिए गए। और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी को, पार्टी को तोड़ने के काम किया माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी, तब पर भी मेरे चिराग भैया झुकने के काम नहीं किया। मैं बताना चाह रहा हूं, अब पूरे बिहार नहीं पूरे देश के नौजवान चिराग बनकर आया है, चिराग बनकर आया है। आज रामविलास जी आप न्यूज भी कवर कर रहे हैं, वही मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान जी उस समय थे, उन्हीं का देन है कि आज गरीब के पास एक मोबाइल भी है जी। आज यूरिया की कमी थी, आज मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान जी रहते तो यूरिया की कमी नहीं रहता, इतना यूरिया रहता था कि वो सर जाता था, किसान कम हो जाए। बिहार में खाद का बहुत ही कमी हो रहा है आज, आप समझ लीजिए, मेरे गर्जियन नहीं है तो, लेकिन रामविलास जी मौसम वैज्ञानिक नहीं थे, बिहार के विकास के लिए मंत्री बनते थे, और बिहार के विकास के लिए मंत्री बनते थे वो अपने जाति, और वही उन्हीं का बेटा चिराग पासवान जी मेरे भाई सम्मान, उसने बिहार के लिए कभी भी अपने राजनीति को आगे बढ़ाने के काम नहीं है। वो गरीब के बेटे हैं, वो गरीबी जानते हैं हमारे चिराग पासवान जी, वो मेरे गरीबी जानते हैं कि गरीब के क्या दुख होता है, तो वो गरीब के बच्चे हैं, इसलिए गरीब का दुख को संसद में भी उठाते हैं मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी। तो अमीर हैं वो, तो कैसे अमीर हैं? अमीर रहते तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जैसा तनसा हो जाते, गरीब के आंसू नहीं पोछते। पत्रकार साहब चलाइए इसको, जितने भी नौजवान बेटी बहन हमारी आज
ये गर्म धूप में आए हुए हैं, ये गर्म धूप में नहीं, उनके देह में आग। आप कहां से हैं? आप कहां से? मैं छपरा से, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो राजनीति सिखाता है, लालू यादव भी राजनीति वहीं से किए थे और चिराग पासवान वहीं से राजनीति शुरू कर। राजेंद्र प्रसाद सिवान से? सिवान नहीं, सारण का मिशनरी था पत्रकार साहब, पहले ना, पहले था, अभी अभी हमारा हुआ था। हाँ, छपरा सिवान गोपाल जी सर, हम भी जानते हैं, उन्हीं गुरु का देन है रामविलास पासवान जी के। आज जेपी यूनिवर्सिटी में। क्या नाम है आपका? मेरा आदित्य कुमार चुन्ना सिंह। बहुत अच्छा बोलते हैं आप। अभी के लिए इतना ही कहेंगे, और भी तमाम नेता बोलने के लिए यहाँ पर युवा नौजवान तैयार हैं, और भी तमाम खबरें मैं लगातार ला रहा हूँ झकास भारत पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, और मैं रविकांत, धन्यवाद।